पहला कॉन्ट्रैक्ट ना हत्या नो भेद उके जाता और जो इस सूरत ही हमारा सहाय सुनील गांजा मारा उन्हें खास है बात कॉन्ट्रैक्टर ने सुपरवाइजर ना झगड़ा में सुपरवाइजर ने मौत ने घाट उतारी दीवाय हो तो हत्या ने अंजाम आप्या बाद डेड बॉडी खुली जगह में फेंकी दीदी हती। आरोपी डेड बॉडी मिली होवानु जणावी सूरत पुलिस ना कंट्रोल रूम ने जाण करी। गळा पर चप्पू ना निशान हती। पुलिस ने आजूबाजू ना रहता लोको पण शंका गई। जपा जपी थई हशे तो कोई अन्य ने पण इजा थई हशे ते दिशा में तपास शुरू करी। कॉन्ट्रैक्टर ना हाथ में इजा ना निशान होवाथी पुलिसे तेनी आखरी पूछपरछ करी। सुपरवाइजर ओमेज महेन्द्र नी हत्या करी होवानु पुलिस समक्ष कबूल्यू। हाल पुलिसे चप्पू अने आरोपी ने लोई लुहाण शर्ट कब्जे करी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी। कल 10 तारीख को एक FIR रजिस्टर हुई जिसमें लक्ष्मी नारायण एस्टेट उदना पुलिस स्टेशन विस्तार में जो है वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का एक जो यूनिट है वहाँ पर सुपरवाइज़र और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में झगड़ा हुआ और उसी वजह से झगड़े में जो सुपरवाइज़र है उसने झगड़े के दरमियान अपने रूम में पड़े चाकू से वार कर लिया जिसके प्रतिघात रूप और ये जो झगड़ा हुआ उसमें वो चाकू नीचे गिर जाने के बाद जो एक्यूज इसमें हम लोगों ने डिटेन किया है ओम देवानंद सरदार जो बुलढाणा महाराष्ट्र से बिलोंग करता है उसने वो चाकू उठाकर जो महेंद्र शर्मा है उस पर उसके गले पर दो वार कर लिए और वो वार की वजह से उनका डेथ हुआ है। जो जिनकी मृत्यु हुई है महेंद्र शर्मा वो वहाँ पर सुपरवाइज़र थे और ये जो ओम देवानंद सरदार जिनको हमने अरेस्ट किया है वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर थे। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के मामले को लेकर ये झगड़ा हुआ और महेंद्र शर्मा की डिमांड थी कि भाई जो दो शिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट ओम के पास है उसमें से एक शिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट उनको खुद को दिया जाए और वो झगड़े के वजह से ही ये हमला हुआ और बाद में महेंद्र शर्मा की डेथ हुई है। हम लोगों ने जो FIR रजिस्टर की है वो IPC 302, 201 और GP Act 135 के तहत ये FIR रजिस्टर की है।